चलो और शुरू करते हैं। एक होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण जिसको हम सब बोलते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण कब होगा? जब एक समान वेग होगा, एक समान वेग होगा। एक समान वेग कब होगा? समान समय में समान दूरी तय करें, समान समय में समान समय में बराबर विस्थापन, बराबर विस्थापन, बराबर विस्थापन हो। इसका मतलब है कि एक समान गति हो रहा है, एक समान वेग हो, एक समान वेग हो। एक समान वेग कब होगा? जब समान समय में बराबर विस्थापन होगा तब हम सबका क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। दूसरा क्या है? असमान त्वरण, असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ये कब होगा? जब असमान वेग हो, असमान वेग हो, एक असमान वेग हो तो भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न समय में अलग अलग विस्थापन हो, अलग अलग विस्थापन हो। देखो समझते हैं, एक समान हमसे पूछेगा एक समान त्वरण बताओ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एक समान वेग जब होगा तभी एक समान त्वरण होगा। एक समान वेग कब होगा? समान समय में बराबर विस्थापन हो। अगला क्या है? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म। असमान वेग जब होगा तो असमान त्वरण होगा। भिन्न भिन्न समय में अलग अलग विस्थापन तय करें। इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो ये हम सबका मान लेते हैं 10 मीटर जो है 5 मिनट में विस्थापन कर रहा है, तो अगले 20 मीटर के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? 10 मिनट। अगले 30 मिनट के लिए इसको कितना चाहिए? 15 मिनट। अगले 30 मीटर के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए कि पहले जो है, पहले 10 मीटर जो है तय कर रहा है, ये 10 मीटर तय कर रहा है जो है 5 मिनट, 5 मिनट में। लेकिन अगर 20 मिनट उसको तय करना है, अगर वो 3 मिनट ले लिया, इसका मतलब है कि असमान वेग है, क्योंकि पहले 5 मीटर में 10 तय किया है, फिर अगले में 5 उसको और तय करने के लिए 10 मिनट चाहिए था। देखो तात्क्षणिक त्वरण समझते हैं, ये जो है असमान गति में, असमान गति में इसको समझते हैं। देखो असमान गति में समझते हैं, मान लो कोई भी चीज जो है स्पीड से जा रही है जिसमें कि क्या है? वेलोसिटी है। ये कोई वस्तु है जो कि इधर मोशन कर रही है, धीरे 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 ये क्या कर रही है? अपने वेग को बढ़ा रही है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जिसमें कि ये अपने स्पीड को क्या कर लेगा? मैक्सिमम कर लेगा, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी बीच के टाइम को हम सब क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक समय। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अब आदमी एक्सीलेटर तुरंत देगा, गाड़ी तुरंत स्पीड में हो जाती है, तो उसको हम सब बोलते हैं तात्क्षणिक समय। इसको मेजर करने के लिए हम सब माइक्रोसेकेंड या नैनो सेकेंड का यूज करते हैं, लेकिन उन्हीं समय को हम सब क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक समय। मतलब ऐसा समय जिसमें कि आपको प्रतीत ही ना हो कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे हम सबका वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को हम सब बोलते हैं तात्क्षणिक समय। देखो तात्क्षणिक त्वरण हमेशा होता है असमान गति में। अगर हम सब इसका फार्मूला समझे तो समझते हैं, तात्क्षणिक त्वरण बराबर तात्क्षणिक वेग मीन्स वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये हम सबका
फार्मूला डेल, इसको हम सब बोलते हैं डेल वी बाई डेल टी। डेल वी क्या है? तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग है जो धीरे 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 अपनी स्पीड को क्या बढ़ा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि पहले वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पोजिशन है इसका, और ये क्या कर रहा है, धीरे 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 बढ़ा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने स्पीड को इतना तेजी से बढ़ा देगा। इसी समय में ही जो वेग परिवर्तन हो रहा है, मींस जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को हम सब क्या बोल रहे हैं, तात्क्षणिक। चलो समझते हैं, त्वरण का मान किस पे निर्भर करता है हम सबका, वेग बटे समय, ये सूत्र होता है। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका मतलब त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है, केवल और केवल वेग पे, क्योंकि समय हमारा कांस्टेंट होते हैं। अब वेग का मान किस पे निर्भर करता है, केवल और केवल विस्थापन पे। हमको पता है जो विस्थापन है भाई, वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब वेग भी हमारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण भी हमारा कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि होगा। इसका मतलब है कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब विस्थापन को व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें, यही चीज समझ रहे, यहां से ए पे इधर गया, फिर बी पे पहुंचेगा, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई। कंटिन्यू जैसे जैसे मोशन कर रहा है, इसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पहले इस साइड में डायरेक्शन था इसका, फिर इधर हो गया, फिर इधर, क्योंकि वस्तु की दिशा में जो है, वस्तु की गति की दिशा में क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आप सब देखेंगे, जैसे सर्कल में अगर कोई मोशन करता है, तो मान लो ये पहले इधर है, उसके बाद इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर इधर, इधर डायरेक्शन, फिर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, उस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंजेस होते हैं। इसलिए जो है हम सबका ये क्या है, वृत्ति गति जितने भी होंगे वो असमान त्वरण में आएंगे। एक समान त्वरण का पूछेगा तो आपको बताना है कि वस्तु मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में जो त्वरण होता है उसमें क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। लिखते हैं त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। देखो मात्रक से भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि मात्रक, मात्रक बताओ, त्वरण का मात्रक बताओ। तो देखो होते तो तीन है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एक एमकेएस, एक सीजीएस, और एक होता है एफपीएस। एफपीएस इधर से पूछता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एमकेएस से पढ़ना है। तो समझते हैं, देखो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है हम सबका वेग बटे समय। देखो वेग का मात्रक जो होता है वो होता है किसमें, उसमें होता है मीटर बटे कितना, सेकंड। इसमें क्या है, सेंटीमीटर बटे सेकंड। इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक करके समझेंगे, एक होता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इन सब में नहीं है, मतलब किसी पद्धति का नहीं है, किसी पद्धति का नहीं है। जब कभी कभी आप पूछते, बताओ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किस पद्धति का है, एमकेएस का है, सीजीएस का है, या पीएस का है, या इनमें से कोई नहीं। हमेशा ऑप्शन जरूर होगा इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसी भी पद्धति का नहीं है। चलो एक और नोट करके हम सब समझते हैं, नोट करके समझेंगे। एक किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, को मीटर पर सेकंड में बदलें। कभी कभी आप लिख के आता है कि बताओ एक किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो यहां समझते हैं, एक किलोमीटर डिवाइड बाय वन आवर, एक किलोमीटर मीटर में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। सेकंड बदलना है तो हमको पता है 60 इंटू कितना हो जाएगा, 60 पहले मिनट होगा, मिनट के बाद ये सेकंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मतलब ये होल वैल्यू कितना चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/36 कैंसिल कर देंगे तो 5/ कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो याद क्या लिख लेंगे हम सब, 1 किलोमीटर
पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। एक ये है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि एक मीटर पर सेकंड में कितने होते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करा लो, 18 बाई कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। देखो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो वस्तु का जो है, ऑप्शन दिए हुए हैं चार, इसमें से क्या सही होगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो ऑप्शन है पहला विरामावस्था, दूसरा क्या है अचर चाल से चल रही है, तीसरा क्या है अचर त्वरण से चल रही है, चौथा क्या है अचर वेग से चल रही है। तो हम सब समझते हैं इसको ऑप्शन क्या सही होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमको दूरी निकालना है, दूरी जो है समय के समानुपाती, तो चाल गुणे कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा बराबर दूरी। तो बोल रहा है कि दूरी किसके समानुपाती होना चाहिए, दूरी जो है समय के समानुपाती होना चाहिए, तो बचेगा क्या चाल, इसका मतलब है अचर चाल से चल रही, अचर चाल से चल रही, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो, समय के वर्ग के समानुपाती है तो क्या होगा, देखो क्या पूछ रहा है, दूरी जो है किसके अनुपात हो भाई, समय के, इसका मतलब तब भी है कि क्या है अचर चाल से चले, क्योंकि दूरी और समय दे दिया, इसका मतलब अचर चाल से चल रहा है। आगे देखिए, एक वस्तु एक वित्तीय पथ पर एक समान गति करती है तब वस्तु की चाल नियत रहती है, वेग नियत रहता है, चाल तथा वेग दोनों नियत रहता है, गति की दिशा समान रहती है। आगे समझेंगे इसको कैसा गति कर रहा है भाई, वेग जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो यहाँ पे ये कर रहा है, तो हमने अभी बताया था कि यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, आगे देखिए यहाँ पे आएगा, तो डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, इसका मतलब ना तो वेग नियत है, अगला क्या है चाल तथा वेग दोनों दिया है, इसलिए एक भी नियत नहीं है, गति बोला समान है, गति समान नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, चाल नियत रहती है, समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के वेग की दिशा किधर होता है, तो जैसे समझते हैं देखो, तो यहां पे समझ चुके, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के लंबवत, हमको पता है कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री पे होता है, तो समझते पथ की त्रिज्या के अनुदिश ये नहीं सही होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश ये भी नहीं होगा, देखें पथ की त्रिज्या के लंबवत, लंबवत दिया है स्पर्श रेखा के अनुदिश, हमको पता है कोई भी स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या से खींचा जाता है तो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझते हैं, एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में होगा, पूछ रहा है बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो हम सब समझते हैं इसको, देखो हमने बताया था अभी एक किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अभी लगाए थे कितना आया था 5/18 मीटर पर सेकंड है, पूछ कितने का रहा है 54 का पूछ रहा है, तो 54 किलोमीटर पर आवर का पूछ रहा है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18 हो जाएगा, 18 का टेबल 18 3 54 मीटर पर सेकंड होगा, ये हो जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू कितना 15 मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चल अब आप सबको बताना है कि जो है 125 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, किलोमीटर पर आवर होंगे, अब आप सबको बताना है कि 125 मीटर पर सेकंड में कितने आवर होंगे, बता रहे हैं कि 125 मीटर पर सेकंड में कितने आवर होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 125 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे।